दोस्तों, आयुर्वेद में बच्चों की बहुत सी बीमारियों का बहुत ही सटीक इलाज है। बस बात यह है कि लोगों को पता नहीं है या फिर लोगों को समझ में नहीं आता है कि कहाँ पर दिखाने जाएं। आज मैं आपको बच्चों में होने वाली कुछ ऐसी बीमारियों के बारे में बताना चाहूंगा कि जिसका कि आप इलाज करा करा कर परेशान होते हैं, उसके बाद भी बच्चे ठीक हो जाते हैं लेकिन फिर से वो बीमारी हो जाती है। जैसे मैं बात करूं कि बार बार बच्चे में सर्दी खांसी होना, बुखार आना, बार बार बच्चे को बीमार होना, बार बार बच्चा बीमार होता है, या बच्चे में एलर्जी की शिकायत है। इसके अलावा मैं बात करूं पेट से संबंधित बीमारियां, जैसे कि खाना खाने के तुरंत बाद पोटी जाना, बार बार दस्त लगना, या बार बार बच्चे के पेट में दर्द होता है, पेट में कीड़ों की शिकायत होना, या आप कुछ भी बच्चे को खिलाते हो उसके बाद भी बच्चे का वजन नहीं बढ़ पाता है, बच्चा बहुत ही दुबला पतला रहता है, उसको भूख अच्छे से नहीं लगती। ये बीमारियां ऐसी हैं कि इनको आयुर्वेद में प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक औषधियों का प्रयोग करके नेचुरली इनको ट्रीट करके और इन बीमारियों को खत्म किया जा सकता है। इसके अलावा मैं बात करूं त्वचा रोगों की, त्वचा रोगों से भी बहुत बच्चे या बड़े भी परेशान हैं। तो त्वचा रोगों में जैसे त्वचा में दाग खाज खुजली होना, या जिसे हम कहते हैं कि सोराइसिस, और सफेद दाग की शिकायत होती है जिसको हम लिपोडर्मा कहते हैं, एक्जिमा की शिकायत होती है, तो इन सब बीमारियों का भी आयुर्वेद में जो है बहुत ही अच्छा इलाज है। बस बात यह है कि कोई जानता नहीं है और लोगों को ये चीज पता नहीं चल पाती कि हम आयुर्वेद से इसको इलाज करवा सकते हैं और इसको पूर्ण रूप से ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं तो स्टोन की समस्या होती है, बच्चों में पथरी की शिकायत, खून की कमी होना, बार बार बच्चे का बीमार होना। इसके अलावा और भी बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिनको कि हम प्राकृतिक रूप से औषधियों का प्रयोग करके, आयुर्वेदिक मेडिसिन का यूज करके इसको हम पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। थैंक यू।